जाऊंगी भैया। वाइट भेजो मेरे को जल्दी मैनेजर की। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। हम बैंक आए भैया, हमारे को लिए कोई के लिए हम आए पैसों के लिए, हमारी एफडी पूरी हो चुकी पर ये लोग मना कर रहे हैं। अभी तक नहीं, दो ढाई तीन साल बाद में होगा जब तक के पैसा आएगा, जब देंगे। अब कब तक पैसा आएगा, ये तो तीन साल का। अब मेरी एफडी पूरी हो गई, एक 50,000 की है, एक 5,000 की एफडी है, अब उसके तो पूरी हो चुकी। ये कह रहे कुछ भी करो अभी है नहीं, हम तो कह रहे भाई लिखित में दे दो, मैं जब आ जाऊँगी 5 महीने में आऊँगी, 6 महीने में आऊँगी, पर आप लिखित में देगा तो, पर ये लिखित में देना नहीं चाह रहे हम। हमको बार 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 कितने रुपए की एफडी है? हमारे 50,000 की एफडी है। आपने बैंक में बात की? बैंक में भी बात करी, ये कह रहे कि हमारे पास है ही नहीं, अभी तो कोर्ट में केस चल रहा है, ये चल रहा है, तो हमारे अभी हमारे पास पैसा नहीं है, ये कह रहे ये लोग। तो हमारा तो एफडी हो चुकी, तो ये हर चीज़ में हमारा, या तो फिर मना ही कर दो या लिखित में दे दो भाई हमारा पैसा, जो जाना होगा फिर मैं कर लूँगी, मेरा कानून मेरा, मैं खुद कर लूँगी। इनके परे काम कर करके मैं दूसरों को बर्तन धोने काम करने के लिए जाती थी, इनमें पैसा जमा करती थी, इतनी मुश्किल से मैंने पैसा जमा करा यहाँ पे, पर ये लोग नहीं समझ रहे कि नहीं, ये बार बार आते बार बार भगा देते। ये तो भाई मेरा भाई हो ना, ये साथ आवे इतना हुए, ये सारा इंडिया, सारा इंडिया के अंदर भर्ती थी। हमारा एंजल लोहा खान के अंदर रहता है, इसाक नाम का है वो, और एक कल्लू भाई नाम। अभी हमारे टोटल हो गए इसके 50,000 की एक है, 5,000 की एफडी लगे, उसकी भी एफडी हो चुकी, और मेरे को 50,000 मुझे एफडी करानी नहीं है, इन्होंने मेरे को जबरदस्ती एफडी करवा दी, बोले मिल जाएंगे पैसे आपके, मुझे झूठे झांसे में दे के एफडी करवा दी, अब वो मना कर रहे हैं। मामला ये है भैया, ये मेरी सिस्टर है मुबीना बानो, इनकी दो एफडीज है यहाँ पर सारा इंडिया के अंदर, एक 5,000 की और एक 50,000 की, जिसमें से 5,000 की एफडी का टाइम पूरा हो चुका है, और जो 50,000 की एफडी है वो ज़बरदस्ती इनसे बिना पूछे ज़बरदस्ती दोबारा रिन्यू कर दी गई है, और इस एफडी को ये नहीं चाहते थे। अभी इनको पैसों की बहुत नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बंगलों पे काम कर करके इन्होंने पैसा कमाया है, इनके घर में काम है, तो पैसा निकलाने आई थी, तो इनसे बोला गया, मैंने पूछा कि भाई पैसा कब तक मिल जाएगा, बोले यार जो है 2020 तक मिल जाएगा। तो पैसा जमा है आपका? इनका करीब 55,000 तो इसमें किशनगढ़ सहारा में अलग है, वो पैसा भी है अलग से, तो इसको एक एक को तो टाइम पूरा हो चुका है 5 साल, एक दोबारा इन्होंने बिना मर्जी के रिन्यू कर दी इन्होंने, तो हम सिर्फ पैसा लेने आए थे, तो इन्होंने बोला अभी पैसा नहीं मिल पाएगा, हमने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, नहीं मिल पाएगा तो आप हमें राइटिंग में दे दो, कब तक पैसा दे दोगे, बोले 2020 में दे देंगे, राइटिंग की काफ़ी बार बोली, नहीं माने, तो हमने परेशान होकर मीडिया को फ़ोन किया। अब मीडिया से एक निवेदन है, कृपया करके इनसे ये पूछे कब तक हमारा पैसा लौटा देंगे, क्योंकि ये गरीब औरत है मेरी सिस्टर, और बंगलों पर काम कर करके पैसा कमाती हैं, बेचारी बड़ी मजबूर है। आपका नाम? अशरफ अली। नहीं, एक सारा सेवी का एक अपना बहुत पुराना मैटर चल रहा है 8 साल से, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है पूरा, इसके भी डेट भी फरवरी में आई थी, इसका एक दिन का पूरा माननीय उच्च न्यायालय ने दिया भी, एक दिन का पूरा हम समय देके इसको पूरा निवारण कराएंगे इसका। तो रियल इस्टेट और एक हाउसिंग का एक केस चल रहा है पुराना, जिसमें काफ़ी परेशानी आ रही है, 22,000 करोड़ रुपये हमारा सारा सेवी के अकाउंट में जमा है, ठीक है, आगे बहुत तुरंत से मतलब सारी चीज़ें हल होंगी, और परम पूजनीय सारा चीज़ हमारे विभाग है, उन्होंने 2020 में इसका पूरा निवारण करने का पूरा बोला है कि सारी स्थिति जाएगी, एक एक जमाकर्ता का समय पर भुगतान हो जाएगा 2020 में। कितने पैसे बाकी है इसका? अभी वो रियल इस्टेट का ही है सारी चीज़ें, पैसे तो 5,000 भी है किसी के, 50,000 भी है इस तरीके से हैं, लेकिन 2020 में सारी अच्छी स्थिति बैठ जाएगी। थैंक यू। ज्ञान जोशी।